Welcome to the next part of the session. In this part, we'll discuss about some composite gates, some derived gates that are created with the help of the existing, that means AND, OR, and NOT gates. Okay, the first name comes is NAND gate. Okay, it's the combination of AND gate and NOT gate. ठीक है? अगर एक एंड गेट उसके बाद एक नॉट गेट को अगर जोड़ करके लगा दिया जाए तो दिस प्रोड्यूसेस एन आउटपुट जिसको हम नैंड बोलते हैं. ठीक है, जस्ट सी व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर गेट. एंड का जो आउटपुट आया है ये नॉट से पास होता है, यानी कि इसकी वैल्यूज रिवर्स कर दी जाती हैं और हमारे पास जो नया आउटपुट क्रिएट होता है दैट्स कॉल्ड नैंड. So what will happen? एंड के अंदर क्या होता था, जब दोनों वन होते थे तब जाके आउटपुट वन होता था. यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, जब दोनों वन होंगे तो वहाँ पे आपको आउटपुट जीरो मिलेगा, अदरवाइज वन मिलेगा. ओके, दैट मीन्स अगर हम सर्किट के ऊपर देखें तो हियर यू कैन सी दोनों जीरो जीरो हैं, आउटपुट वन मिला है. एक वन दूसरा जीरो, आउटपुट आउटपुट वन, दूसरा वन पहला जीरो, आउटपुट वन, दोनों वन हुए, आउटपुट जीरो. ओके, सो हियर वी राइट इट एज क्यू इक्वल टू ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट. ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट you can say Q is high if A and B not. Okay, that means it becomes a negative statement कि अगर A और B high नहीं है केवल तभी Q high होगा. ओके, नाउ सर्किट सिंबल की अगर बात करें तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक सिंबल होता है एंड दैट सिंबल इज दिस वन. एक एंड गेट बना के उसके आगे एक सर्कल लगा दिया जाता है. दिस सर्कल सिग्निफाइज द नॉट गेट. ओके, now just add inputs to it or you can use these inputs also, there is no constraint. ठीक है, किसी दूसरे input को अगर ऐसे use करना है तो you can just get it connected like this. Okay, and you can relocate the input location also like this. ठीक है, and take the output as this one. ओके, सो यू कैन सी हियर जैसे ही हमने इसको चेंज किया यू कैन सी द चेंज इन आउटपुट. ओके, एंड इट्स फॉलोइंग द सर्किट दैट वी हैव डिजाइन. इसको हम बोलते हैं नैंड गेट. नैंड के बाद जो अगला गेट आता है इसको बोलते हैं नॉर. ठीक है, नॉर और नैंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि जैसे नैंड जो है एंड के साथ नॉट लगाने से बना है, उसी तरीके से नॉर क्या है और के साथ नॉट लगाने से बनेगा. ठीक है, द वे ऑफ डिजाइनिंग इज सेम, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस और
देर इज ओनली चेंज इन स्टेटमेंट, जहाँ जहाँ एंड है वहाँ वहाँ और कर दीजिए, जहाँ मल्टीप्लीकेशन था वहाँ प्लस कर दिया, ठीक है। इन आउटपुट यू कैन सी व्हाट्स द चेंज, और का आउटपुट देखिए, जहाँ जहाँ इसमें इनपुट आउटपुट वन है वहाँ वहाँ उसमें आउटपुट ज़ीरो मिलना है। सो हियर ओनली केस इज दिस वन, जहाँ पर उसमें वन मिलेगा बाकी सारे ज़ीरो होंगे, ठीक है। सो कम बैक हियर एंड हियर इट इज वन एंड रेस्ट ऑफ द केसेस आर ज़ीरो, ठीक है। नाउ कम ऑन टू द सर्किट सिंबल एंड डिज़ाइन। सो और गेट लिया, उसके बाद एक नॉट गेट लगा दिया, ठीक है, एंड एक रीडिफाइन नॉर गेट ले लेते हैं, ठीक है। नाउ कम टू इनपुट्स एंड आउटपुट्स, दिस वन इज़ इनपुट ए, दिस वन इज़ इनपुट बी, ओके। So you can see if both the inputs are zero, you can see the output as zero. एक भी वन हुआ तो आउटपुट सॉरी दोनों इनपुट ज़ीरो हैं तो आउटपुट वन आ रहे हैं, एक भी वन हुआ तो आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों वन है अगेन आउटपुट इज ज़ीरो। सो दिस इज़ वॉट वी हैव डिज़ाइंड हियर। ये आपके जो नैंड और नॉर गेट हैं इनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज गेट्स कैन बी यूज टू क्रिएट योर एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, यानी एंड और नॉट भी इससे बन सकते हैं। दीज गेट्स कैन बी यूज टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिजिटल सर्किट, ठीक है। थोड़ा और डिफरेंट वे में अगर इसको डिस्कस करें तो ये यूनिवर्सल इसलिए हैं क्योंकि केवल नॉर या केवल नैंड के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी डिजिटल सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर केवल नैंड या केवल नॉर से बन सकता है बट उसमें अगर गेट्स की गिनती ज़्यादा चाहिए होती है तो उस केस में हम उसको क्यों प्रिफर करें, वाई नॉट वी गो फॉर इंडिविजुअल एंड और एंड नॉट गेट्स। सो यहाँ पे मैं आपको बस ये सजेस्ट करूँगा कि जब कभी अगर हम एक तरीके का डिवाइस यूज़ करते हैं तो हमारी जो रिपेयरिंग की कॉस्ट होती है, जो हमारी बाद में सपोर्ट की कॉस्ट होती है वो कम आती है, ठीक है। क्योंकि आपने एक डिवाइस बनाया जिसमें 15 तरीके के गेट्स लगाए, उसके लिए अगर आपको कोई रिपेयरिंग के लिए पर्सन भेजना होगा कल को तो आपको जो है वो 15 के 15 तरीके के डिवाइसेस साथ में भेजने पड़ेंगे क्योंकि उनमें से कोई भी ख़राब होगा तो कुछ ना कुछ इशू आ रहा होगा। यही अगर आप एक मशीन बनाते हैं जिसमें कि 15 गेट की जगह पे 20 गेट्स लगाते हैं और 20 के 20 एक जैसे लगाते हैं, इन दैट कंडीशन आपका जो सर्विस इंजीनियर जाएगा वो एक गेट भी लेके जाएगा तो वो उसको ठीक करके आएगा, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट एंड और एंड नॉट गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट एंड विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट्स ओनली, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नैंड से और नॉर से नॉट बनाने की, ठीक है। नॉट की क्या रिक्वायरमेंट थी, इसके पास तो एक ही इनपुट था, ये आपका नॉर है और ये आपका नॉट है, इसके पास एक ही इनपुट था, क्या करें दूसरे इनपुट का। अगर दोनों को साथ में जोड़ देते हैं तो दैट बिकम्स ए इक्वल टू बी, दैट मीन्स केवल ये स्टेटमेंट चलेगा और ये स्टेटमेंट चलेगा। हियर यू फाइंड जीरो जीरो पे ज़ीरो आ रहा है, दैट मीन्स जीरो पे जीरो सॉरी जीरो जीरो पे वन आ रहा है, दैट मीन्स
0 पे 1 आ जाएगा आउटपुट और 1 पे 0 आ जाएगा. इन द सेम वे इन दिस ऑल्सो यू कैन फाइंड द सेम थिंग. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक इनपुट लिया. ठीक है, इसको फर्स्ट इनपुट पे दिया, इसको फर्स्ट इनपुट पे इसको भी दिया और इसके साथ भी ज्वाइन कर दिया. ठीक है, एंड नाउ थोड़ा सा पीछे कर दीजिए सो दैट यू कैन सी दैट व्हाट एक्चुअली हैड हैपन. एंड वी आर टेकिंग वन एक्स्ट्रा गेट हियर, एक एक्स्ट्रा नॉट गेट लेकर के देख लेते हैं कि वेदर इट इज़ मैचिंग विद दिट आउटपुट और नॉट. ठीक है, तो एक नॉट गेट ले लिया. एंड व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू मैच दिस आउटपुट, जो इनसे आउटपुट निकल रहा है और जो इससे निकलेगा मुझे वो सेम चाहिए. ठीक है, कम टू द आउटपुट्स, फर्स्ट आउटपुट, सेकेंड आउटपुट एंड थर्ड आउटपुट. ओके, दिस थर्ड वन इज एक्यूरेट वन, दिस इज फ्रॉम द नॉट गेट, यही चाहिए मुझे, इससे भी आ गया. ठीक है, एंड यही चाहिए मुझे इससे भी. एंड यू कैन सी इन ऑल द थ्री यू कैन फाइंड वन, हियर यू कैन फाइंड ज़ीरो. सो नॉट तो बन गया. इंटरनली अगर देखें तो इसमें नॉट गेट लगा हुआ था, हमने बस उसी को यूटिलाइज किया. ठीक है, नाउ सेकेंड टास्क इज टू क्रिएट एंड गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट. ओके, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं सो दैट वी कैन हैव मोर स्पेस हियर. सो नैंड के हेल्प से मुझे एंड बनाना है. ठीक है, नैंड लिया, इसके बाद एक दूसरा नैंड लिया और इसको नॉट बना दिया यहाँ से. ठीक है, जस्ट टेक टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट एंड गेट इट कंपेयर्ड. ठीक है, कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए एक एंड गेट ले लेते हैं. ठीक है, और इस एंड गेट के साथ कंपेयर करते हैं कि वेदर इट इज़ सेम और डिफरेंट. So you can see here, both the inputs are zero, output is zero. Okay, एक का एक इनपुट को वन किया, still output is zero. दूसरे को वन किया, still output is zero. And अगर दोनों को वन करते हैं तो you can see output is one. So the truth table is verified. Truth table verified, that means it works like AND gate. ठीक है, अब और की तरह काम करें, अब नॉर के हेल्प से यही एंड गेट बनाना है. इज़ इट पॉसिबल नॉर गेट्स के हेल्प से एंड गेट बनाना है, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? जस्ट सी, हियर इज़ द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट, जस्ट राइट हियर द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट, सॉरी एंड गेट. बट एक छोटा सा चेंज करेंगे. चेंज क्या करेंगे कि वी विल राइट ट्रूथ टेबल इन रिवर्स मैनर. दैट मीन्स वन वन देन वन ज़ीरो देन ज़ीरो वन एंड देन ज़ीरो ज़ीरो. यू विल फाइंड दिस इज़ कमिंग वन, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो. ठीक है, जस्ट सी वन थिंग, यहाँ पे ये वाली लाइन, ठीक है, और यहाँ ये वाली लाइन सेम है, सेम है. सेम है का मतलब क्या हुआ,
कि अगर ये वाला इनपुट की जगह पे आप ये वाला इनपुट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, तो यू विल गेट ये वाला आउटपुट विच इज इक्विवेलेंट टू दिस वन. यानी इफ यूजर इज गिविंग 1 1, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 0 0 बिफोर गिविंग टू नॉर गेट. ठीक है, 1 1 है उसको 0 0 कन्वर्ट करना है, यानी नॉट लगा देंगे. दूसरे केस में 0 1 है यहाँ पे, सॉरी 1 0 है और वहाँ 0 1 है. ठीक है, तीसरे केस में यहाँ 0 1 है, वहाँ 1 0 है. चौथे केस में यहाँ 0 0 है, वहाँ 1 1 है. ठीक है, दैट मीन्स क्या करना है, एक नॉर गेट को नॉट बनाना है और वो इनपुट से पहले लगाना है. ठीक है, दैट मीन्स दिस वन इज द आउटपुट साइड, इसके पहले दो नॉर गेट और लगेंगे. ठीक है, दिस फर्स्ट नॉर गेट एंड दिस इज सेकेंड नॉर गेट. इस नॉर गेट के दोनों इनपुट्स को आपस में जोड़ देंगे. ठीक है, इनपुट्स पे चलेंगे. Instead of taking separate inputs, take the previous one. Okay, so that we can get it compared directly. So connect it with this one. Okay, connect it with this one. And that here. इसी तरीके से इसको भी डिलीट करिए और इसको जोड़िए इसके साथ. Okay, and now take output 1 1 पे तो 1 आ रहा है, 1 0 पे 0 हो गया, 0 0 पे 0 हो गया और 0 1 पे 0 हो गया. सो यू कैन सी दैट हियर व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड एंड गेट विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट. नॉर गेट मतलब विद द हेल्प ऑफ और एंड नॉट. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा ये निकलता है कि एंड गेट, और गेट और नॉट गेट में से कोई दो हमको चाहिए थे, सारे नहीं चाहिए थे. ठीक है, थोड़ा और डिफरेंट वे में अगर डिस्कस करते हैं तो इस पर्टिकुलर डिवाइस के आउटपुट की बात करें, यू विल गेट हियर दिस come to declaration part. I am taking one declaration table. This one is a complement. Okay, I assume that there are two inputs. Okay, the upper one is A and the lower one is B. को हम बी एज्यूम करके चल रहे हैं. ठीक है, सो हियर यू गॉट ए कॉम्प्लीमेंट इन द सेम वे हियर यू गॉट बी कॉम्प्लीमेंट. ओके, नाउ व्हाट यू गेट इन आउटपुट, नॉर का आउटपुट क्या होता है, इट इज sum of inputs complement. That means it is equal to A complement plus B complement ka whole complement. ठीक है, और हमने truth table verify किया है, ये AND gate है. ठीक है, is it possible इस तरीके की चीज ये हो, बाय ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ट्रू. ओके,
इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम एक नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? इट इज दैट पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट इज अ नेगेटिव लॉजिक और। ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट का एक नेगेटिव लॉजिक और गेट होता है। ठीक है, मतलब क्या बना? मतलब बना, यहाँ हम लाल कलर को वन बोल रहे थे और काले कलर को ज़ीरो, गेट हमने लगाया था एंड। ठीक है, 10 मिनट के लिए जस्ट अज्यूम दैट ब्लैक कलर इज़ वन एंड रेड कलर इज़ ज़ीरो। ओके, इट इज़ नॉट फॉर एवर, जस्ट इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के लिए हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि रेड कलर आता है तो ये ज़ीरो है और ब्लैक कलर आता है तो वन है। ठीक है, सो इफ यू गिव हियर ज़ीरो ज़ीरो व्हाट यू गेट? ज़ीरो। ओके, एक को वन कर दिया, वी हैव गॉट वन इन आउटपुट। जस्ट लिखते चलते हैं, जस्ट टेक अनदर शीट। ओके, एंड रिसाइज दिस टू अ स्मॉलर साइज एंड रिसाइज दिस सो दैट यू कैन सी इट। ओके, नाउ resize this also so that it will not disturb you. Okay, so A, B and Q. Okay, if A is 0, B is 0, then what was the Q? दोनों को लाल लाल करके देखा तो Q was red. Red means 0. Okay? Just select this and alignment. Yes. Center. Okay. Now, हमने A को 0 रहने दिया और B को हमने 1 कर दिया. ठीक है? B को 1 कर दिया. What's the output? Is 1. ठीक है, कम बैक। अब B को 0 रहने दो, A को 1 कर दो, यू विल गेट हियर 1, हियर 0 एंड हियर 1। दोनों को 1 कर दिया तो भी आउटपुट 1 है। गेट तो एंड लगाया था, काम और क्या कर रहे हैं? ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट इज अ नेगेटिव लॉजिक और। ठीक है, सो कम बैक। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ और गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड। ठीक है, आप अगर देखें तो इट्स अगेन ऑफ द सेम काइंड, हियर द गेट इज डिफरेंट। जो काम हमने और गेट के लिए किया था यहाँ, सॉरी एंड गेट के लिए किया था, यहाँ और के लिए भी वही होगा। ठीक है, बस यहाँ एक छोटा सा चेंज हो जाएगा कि वहाँ पे हमारे पास नॉर गेट के साथ दिक्कत थी, यहाँ पे वो दिक्कत हमारे पास नैंड के साथ है। ठीक है,
Okay, so you can see here, if suppose this one is A, this one is B, आपको यहाँ मिलता है A complement, यहाँ मिलता है B complement, and here you get A complement plus B complement का whole complement, that is equal to A plus B, ठीक है, by using this method. Okay, so इसको हम अगर लिखना चाहें तो in terms of statement we can write it like positive logic AND gate is a negative logic OR, or in other words you can say positive logic OR gate is a negative logic AND. ठीक है, ये बात आपकी दूसरे वाले गेट यानी कि AND गेट के ऊपर भी अप्लाई होगी, वॉट एवर द सेकेंड सर्किट दैट यू हैव टेकन इसके ऊपर भी अप्लाई होगी. रेड को अगर वन मान ले, ज़ीरो मान लेते हैं और ब्लैक को वन मान लेते हैं, तो हियर यू सी ज़ीरो ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो वन इज़ ज़ीरो, देन वन ज़ीरो इज़ ज़ीरो एंड वन वन इज़ वन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन विल डिस्कस अबाउट सम टर्मिनोलॉजीज एंड सम डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज दैट आर followed by this Boolean algebra. That's all for now. Thank you.